अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का इतना ख़ास मकसद कोई नहीं है, इसमें हम डोमेन चेक करेंगे और एक्सपायर्ड कोई अच्छी सी ढूंढेंगे अगर मिल जाए तो। तो एक डोमेन की मैं चेक कर रहा था, लिंक डोमेन्स। इसकी सब्सक्रिप्शन अभी थोड़ी देर पहले बाय की है मैंने, $10 वैसे काफ़ी हद तक वर्थ इट है मेरी नज़र में। तो अच्छा जी, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। मेरा दिल है कि हम थोड़ा रेफरिंग डोमेन से भी टेस्टिंग कर लें, इसे भी डाउनलोड कर लें और इससे भी कोशिश करते हैं। पहले 20,000 देखते हैं कोई ख़ास चीज़ हमें मिलती है कि नहीं। ये वैसे कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं है, वैसे ही मैं ग्रुप के गिव अवे वगैरह के लिए ढूंढ रहा था तो सोचा कि शायद आप लोगों को भी कोई न्यू चीज़ सीखने को मिल जाए। $60,000 तक पहले हम चेक कर चुके हैं, अब हम करेंगे $80,000 तक। बस मेरे ख़्याल से अगर ये सारा प्रोसेस जो है बंदा कर लेता है तो वो भी काफ़ी आसानी से पैसे कमा सकता है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स ढूंढते हैं और अगर आपको कोई अच्छी एक्सपायर्ड मिल जाए तो मतलब 15-20 हज़ार तो बना ही सकती है। और इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो उनकी प्राइस 1500 का एचरेफ हो गया और 1500 का ये रैंक्स टूल, तो नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, इनको करेंगे कॉपी। अब जाते हैं इधर, चलो अब कम से कम लिमिटेशंस की प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे। इसने कुछ डोमेन्स फाइंड किए हैं और ढूंढ रहा है, इसे कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 दफ़ा बार बार करना चाहिए ताकि कोई काम की चीज़ ढूंढ ले। अच्छा जी, 250 ढूंढ लिए शहजादे ने। अब इसे दोबारा करते हैं, देखते हैं आप कितने फाइन करते हैं। इस दफा 41 फाइन किए, ये भी अल्लाह लोग किए। अच्छा जी, अब इन्हें करेंगे चेक। चेक करने के लिए बल्क DAP टूल है, इसमें माउस की API एंटर करनी पड़ती है और एक यहाँ से बैच एनालिसिस, ये दोनों काफ़ी काम की चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं नज़र आ रही। ये 714 बैकलिंक्स हैं इसके, bodybuilding.com से भी मिले हुए हैं। हाँ, स्पाम के जरिए एज एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, 22 DA की एक मिली है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अच्छा, मेरा दिल है जब तक ये चेक होता है तब तक वो जो बाकी रहती हैं वो भी देख लेते हैं। अ
ऐसे ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ना इसे 4-5 दफ़ा चेक करके ना उन्हें कंबाइन करके जितनी एक्सपायर्ड मिले तो फिर आगे चेक किया करें, शायद हो सकता है कोई कीमती हीरा हाथ लग जाए। अगर एक भी अच्छी डोमेन मिल जाए ना तो 30-40 हज़ार की तो जाएगी, अगर उसकी बैकलिंक प्रोफाइल अच्छी है तो। कबाड़ी है, चले इन्हें शेयर करेंगे ग्रुप में। अभी वैसे मेरे ख्याल से इतनी बुरी हालत तो नहीं है, मतलब अगर ये 8 IDA वाली बेची जाए तो 5-6 हज़ार की तो बिकी जाती है। इधर काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं सेल करते हुए, जो 25-25, 26-26 DA काफ़ी अच्छी प्राइस में सेल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसे भी कर देंगे पोस्ट। इसका देख लें कितनी है टोटल, 249। अच्छा ये तो हो गया काम तमाम, उसके बाद अब जाते हैं इसको ढूंढते हैं, इसमें देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें। अच्छा अब एक करते हैं न्यू एक्सपेरिमेंट, हम इस दफ़ा रेफरिंग डोमेन्स को चेक करते हैं। ऐसे शायद मेरे ख्याल से हमने ये डाउनलोड किया है, रेफरिंग डोमेन भी इतनी बुरी तो नहीं होती है, अगर किस्मत अच्छी हो तो कहीं से भी खजाना हाथ लग सकता है। हमने कोशिश यही करनी होती है इन चीज़ों में कि हमने दूसरे लोगों से हट के सोचना होता है, मतलब कुछ ऐसा करना जो दूसरे किसी ने ना किया हो, तभी जाके हमें कुछ काम की चीज़ हाथ लगती है। सोच रहा था ये असल में अपनी अपडेट करते रहते हैं डेटाबेस, एचरेफ्स वाले मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लॉस्ट में शायद हमें कुछ मिल जाए, अच्छा जी लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स निकल आई हैं और इन्हें देखेंगे कि इनमें कुछ काम की चीज़ है या सारा खतरा मचा है, इनमें से हो सकता है कुछ एक्सपायर्ड हो और ये कुछ हो तो रहा है प्रोसेसिंग। जल्दी हो जा भैया, अच्छा जी हो गया डाउनलोड, अब इसमें से देखते हैं कोई कचरे में से खजाना मिलता है या ये भी कचरा ही होगा, देखते हैं क्या होता है। चलें जी इधर, कोई एक तो काम की निकाल दे।
आपका गुजारा हो जाएगा। ये देखें ना, इसको कम से कम 5-6 दफ़ा चेक करें तो फिर जाके काम की चीज़ निकालेगा ये। है तो ये भी किसी पागल नहीं बनाया, मतलब तो 2-4 दफ़ा कन्फर्म ही कर ले, इतनी स्पीड का अचार डालना अगर काम ही ना करता। अच्छा जी, इनका भी कर देते हैं 90 डोमेन। अच्छा जी, अब चलते हैं एक बड़े सोर्स की तरफ, जिसमें उम्मीद है कि हमें कोई ख़जाना ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब, क्योंकि वर्डप्रेस वालों ने ब्लॉक किया हुआ है। वैसे अगर ब्लॉक ना होता तो उम्मीद है हमें बहुत अच्छी अच्छी डोमेन्स मिलनी थी, क्योंकि रिसेंटली कुछ डोमेन्स देखी थी मैंने जो एक्सपायर, वहाँ से काफ़ी 50+ DA की। इनके लॉस्ट देख सकते हैं हम, 2000 लॉस्ट हैं। इनमें शायद कोई एक आधी काम की चीज़ मिले हमें, देखते हैं। वो छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने एक रैंडम सी वेबसाइट देखी है, ये ट्यूटोरियल तब तक नहीं एंड करना जब तक ना मुझे कोई 50 DA वाली ना मिल जाए, वो तो मैंने एक ढूंढ के रहनी। अच्छा जी, अब करते हैं इन्हें टेस्ट, कुछ आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, फिर कोई काम की चीज़ मिलेगी हमें। अच्छा सही, देखते हैं अब इनमें से कितनी काम की है और कितनी निकम्मी है। आ जाओ पुत्रो, बैच एनालिसिस। वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर। ये तो दूसरों से भी गई गुजरी है। चलें एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं, 38 मिली इस दफ़ा। दफ़ा दोबारा देखते हैं। कुछ नया माल आता लगा है, 98। वाह, इट साउंड्स प्रीटी ग्रेट। यार असल में ना बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं जी, आवाज़ मेरी कम क्यों होती है जी, आवाज़ कम क्यों होती है। बोलने को तो मैं ऊंचा भी बोल सकता हूँ, मतलब जितना चाहो उतना ऊंचा बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ मसले मसाइल हैं जो आप लोगों को बताए नहीं जा सकते। असल में कमरे में नहीं बैठता मैं, कमरे से बाहर बैठता हूँ। बस ये भी कोई इस्लामाबाद में रहने की तो परियां कहानी है, छोटे छोटे घर और एक बेड अगर रख लें तो किसी और जगह की, कोई और जगह बचती नहीं है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा बैल्कनी के पास कंप्यूटर रखना पड़ता है, और यहाँ पे अगर मैं ऊंचा बोलूँ तो सारे घर में आवाज़ गूंजती है। इस वजह से चाह के भी ऊंचा नहीं बोला जा सकता। अच्छा
के भी कचरा ही लग रहा है मुझे सारा। आप किसी बड़ी वेबसाइट को हाथ लगाते हैं, हाउ अबाउट फोर्ब्स डॉट कॉम, दुनिया का हर कचरा उसके साथ जुड़ा होता है। बस 2 लाख, इतने थोड़े भाई, भाई सैकड़ा हजार 10 साल लाख। कोई एंड से जाकर चेक करेंगे जहाँ से किसी ने ना चेक किया। कोई नहीं मिल रही काम की चीज़ भैया, काम की चीज़, काम की चीज़ तो दो, काम की चीज़। फोर्ब से मिलेगी हमें काम की चीज़, अच्छी है वेबसाइट फोर्ब्स। यार एक कंसेप्ट मैंने ना लोगों को समझाया था, यकीन करो हर बंदे ने ना दिमाग ख़राब कर दिया और किसी ने सोचा भी नहीं। मतलब वो मैंने बताया था कि उधर ना लोग गिग्स बनाते हैं कि 301 रिडायरेक्ट फ्रॉम 90+ DA डोमेन। अब लोगों की मुझे ना समझ नहीं आती कि अब वो सब ये समझने लग गए कि हमारी जो डोमेन है मतलब एक्सपायर्ड, वो 90 होनी चाहिए। अरे अल्लाह के बंदों को जहाँ से डोमेन का लिंक आ रहा है वो 90+ होना चाहिए था। मतलब अब ये जो फोर्ब्स है फॉर एग्जांपल, इसका अब इसका 90+ DA है, और यहाँ से जो डोमेन आ रही है उसका चाहे 2 DA भी हो वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि वो फोर्ब्स से लिंक आ रहा है। अच्छा जी, कुछ माल चिकना चिकना मिला तो है हमें यहाँ से भी। अब देखेंगे कि फोर्ब्स नाम की तो मशहूर है, कोई काम की चीज़ भी देती है या नहीं। वैसे 26 बहुत थोड़े हैं मेरे ख्याल से, हमें एक दो दफ़ा और टेस्ट कर लेना चाहिए। कोई नहीं, ये भी कचरा ही लग रहा है मुझे तो। भाई दे कोई 50, 60, 70 वाली DA की तो फिर माने, ये तो कोई बात ना हुई। यार दिल दुखी कर दिया। अच्छा इनका DR चेक करते हैं क्या सोते हाल है। DR भी मरा होना है एज एक्सपेक्टेड, पर मुझे तो गड़बड़ लग रही है स्टोर के अंदर। अच्छा वैसे ना मज़े की बात ये है कि अब ये जितने भी लिंक्स हैं ना, इसमें से एक लिंक भी कम से कम 30-35 हज़ार का बेचा जा सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे ना फोर्ब्स 301, अब ये देखें, अब ये 13 हज़ार का सेल कर रहा है और ये 6 हज़ार का, और ये सिंपल यही कर रहे हैं। अब ये जो जिस
जितने भी बैकलिंक्स निकले हैं ना अभी, इनमें से ये एक बैकलिंक पकड़ेगा और उसे 6-7 हज़ार का बेच देगा। वैसे किस्मत वाला बंदा ही है जिसने यहाँ तक वीडियो देखनी है। मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा लोगों ने 2-3 मिनट ही देखनी है, लेकिन जो यहाँ तक, अब ये देखे ना, ये DA 95+। अब अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो 90+ का मतलब यह है कि फोर्ब्स का 90 DA हो, तो हमारा जिस वेबसाइट को हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं उसका DA नहीं मैटर करता, जहाँ से उसको बैकलिंक मिल रहा है उसका DA मैटर करता है। आप लोगों ने शायद वो 301 का रोल पूरे तरीके से नहीं पढ़ा। वो इस तरह ही हो जाता है कि जब एक चीज़ को 301 रिडायरेक्ट किया जाता है तो वो बीच में मिडल मैन बन जाता है, मतलब गूगल उसे काउंट नहीं करता। वो ऐसे ही होता है जैसे डायरेक्ट फोर्ब से हमारे क्लाइंट की वेबसाइट को मिल रहा है। अब ये जितने भी बैकलिंक्स हैं, ये एक एक बैकलिंक्स 25-26 हज़ार का बेचा जा सकता है। अच्छा जी, लेकिन अब ये बात हमारी आवाम को कौन समझाए इसका लॉजिक। अच्छा, कितनी डोमेन्स हैं? 26। आज फॉर्म से कोई ना कोई काम की चीज़ निकाल के सोना है। अच्छा, चलते हैं 60 तक। यहाँ तक ही कर लेते हैं। अच्छा वाला मूड खराब कर देते हैं। हाँ, आप निकल आई हैं ना, ये भी बड़ी ड्रामे बात है। इनका भी सारा कुछ ही ब्रोकन है। कभी कभी शोर कुछ करते हैं और कभी काम हुआ पड़ा। अच्छा जी, ये देखें, दो फॉलो देखेंगे। वैसे इनमें शो तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। शायद उन्होंने, हो सकता है कुछ लिंक कमेंट के भी दिए हैं। ये आपने ज़रूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये ना हो कि आप क्लाइंट को लारा लगा दें और वो बैक लिंक्स कहीं और से आ रहे हैं। अच्छा, 12। कोई तो निकल जाए काम की चीज़। दिमाग लगाना पड़ता है बहुत।
इस डोमेन्स ने अच्छा अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनसे उम्मीद है कोई काम की चीज़ निकलने की, उन्हें भी एक दफ़ा ट्राई कर लेते। ड्राम में तो चलते ही रहने। असल में ये जितनी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं ना, इनको पहले सारी लीचीज़ ने खा लिया होता है। हमें कुछ ऐसी वेबसाइट ढूंढनी पड़ती हैं जिन्हें जो हों भी मशहूर और जिनका आइडिया भी किसी के दिमाग में ना आया। हो किधर पोस्ट कर दिया यार, तो दिमाग घुमा हुआ है। 5 बजने वाले हैं, सोना भी है अभी। होल्ड योर हॉर्सेस। ये लो एक टीके निकाल के हमारे सर पे, इसका अचार डालेंगे। जो एक टीके आ रही थी उससे भी हाथ धो बैठे।
अब कोई एक आदमी नहीं भी नहीं, कोई निकला तो है कचरा मचरा। जिंदाबाद, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो। अच्छा अब ये देखते हैं gamesport.com। कुछ तो काम का मिल जाए भाई साहब, ऐसे अगर बंदा लगा रहे ना तो एक दिन में कम से कम कोई 15-20 हज़ार वर्थ की डिमेज निकाल सकता है मेरे ख्याल से। बंदा फुल विल होना चाहिए इस काम के लिए। मैं तो कहता हूँ कि एक स्पेशल वीए रख लेना चाहिए। कर रही है कुछ चीजें निकाल रहा है। सिर्फ इतनी सारी कोई 200 तो निकाल भाई। अच्छा देखते हैं इसके अंदर ये होता भी है नहीं। ये नया कट्टा चीज रिमूव हो गई है। इस दफा एक काम की डोमेन मिली है, दिल खुश हो गया मेरा। डीए चाहे नाम भी अच्छा हो लेकिन एक डोमेन हमें एक अच्छी मिली है।